नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको ये वीडियो। डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी स्लिप बताने वाला हूँ, ऑफिशियल सैलरी स्लिप दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आप पता कर सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट जज को कितना पैसा मिलता है। प्रिंसिपल डीजे नहीं है, डीजे कैडर के हैं, डिस्ट्रिक्ट जज है। तो प्रिंसिपल डीजे की थोड़ी और ज्यादा सैलरी हो सकती है, और थोड़े जो सीनियर होते हैं उनकी थोड़ी और ज्यादा हो सकती है। ये सैलरी बहुत है वैसे आप देखोगे ना। और एक चीज बता देता हूँ, इसमें ग्रेड पे नहीं चलता डिस्ट्रिक्ट जज में, और जुडिशरी में, ऑल ओवर जुडिशरी में ग्रेड पे नहीं चलता, बेसिक पे चलता है। और तो सारी चीज कवर करेंगे, ऑफिशियल सैलरी स्लिप बताऊंगा। और ये जनवरी की है, तो इसमें टैक्स जो डिडक्शन हुआ है वो ज्यादा है, क्योंकि मार्च में आपको पता है रिटर्न भरी जाती है। तो टैक्स जो कटता है ना, वो आपके ऊपर ही होता है कितना कटवाना है आपको। 10,000 कटवाना है, 1,00,000 कटवाना है। और इनकी सैलरी इतनी है तो 10,00,000 से ऊपर वाली स्लैब में जाते हो, 30% वाले स्लैब में जाते होंगे ये लोग। और इनकम टैक्स की थोड़ा मुझे कम नॉलेज है, 30% वाली जो स्लैब होती होगी शायद उसमें जाते होंगे। तो टैक्स जो कटा है इनका कुछ ज्यादा ही कटा है, इतने तो लोगों की सैलरी होती होगी। तो पर ठीक है, अपन दिखाएंगे, वो अपने ऊपर ही होता है कितना आपको टैक्स कटाना है। और कुछ चीजें नई जुड़ने वाली है जो मार्च में नई सैलरी आएगी, क्योंकि अभी जो अलाउंसेस चेंज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सब पे अप्लाई हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होंगे। तो उसके बारे में बता दूंगा इस वीडियो में। और सिविल जज की सैलरी देखनी हो, सैलरी स्लिप देखनी हो, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की ऑफिशियल सैलरी स्लिप दिखाई है, वो वीडियो भी ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने ही बनाया है। सिविल जज की ऑफिशियल सैलरी स्लिप दिखाई है, तो चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी स्लिप क्या है। देखो डिस्ट्रिक्ट जज की जो सैलरी है, सबसे पहले सैलरी स्लिप की फोटो देखो, ठीक है। इसमें आप बेसिक पे देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, 1,72,960। ये बेसिक पे है, इसका डीए 42% है राजस्थान में, ये इंक्रीज होता रहता है डीए। तो 79,562 डीए मिल रहा है, मतलब सिविल जज की जो बेसिक होती है ना वो 77,000 के आसपास रहती है, इनको डीए 79,562 मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है, दोनों को प्लस करोगे 2,00,000 से ऊपर तो वैसे ही हो गई। ये मेडिकल अलाउंसेज 1,000 है, इसको भी चेंज हो गया, मैं बता दूंगा जब जो अलाउंसेज नए हुए हैं ना उसमें ऐड हो गया, ना इंक्रीज कर दिया है। ये मेडिकल अलाउंसेज वो है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपको खर्चे के लिए आप छोटी मोटी दवाइयां लेते हो महीने की, उसके लिए दिए जाते थे, हर सिविल जज को ही मिलता है, जूनियर डिवीजन को ही मिलता है, इसको इंक्रीज कर दिया। वैसे अगर आपको सरकारी इलाज करवाना हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सरकार पूरा पैसा देती है, कोई आपके पैसे नहीं लगते। जो भी हॉस्पिटल उस लिस्ट में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल आते हैं, आप करवा सकते हो अपना इलाज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेडिकल अलाउंसेज वैसे ही दिए जाते हैं जो आप छोटी मोटी कोई दवाई ले लो, पैरासिटामोल खरीद लो, जुकाम गोली की खांसी की दवा, हर महीने दिए जाते हैं। पेट्रोल अलाउंसेज आप देख सकते हो 5,473, तो ये भी डबल हो चुका है। मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों डबल हो चुका है, आप वीडियो देखो अभी। अभी ये जनवरी की सैलरी स्लिप है डीजे साहब की, इसमें कहीं नाम मेंशन नहीं है, कहीं कोर्ट मेंशन नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जनवरी की सैलरी स्लिप है, तो पेट्रोल उनको 5,473 मिला है। जहां गाड़ी नहीं मिलती तो वहां पेट्रोल क्या पैसा मिलता है, अब मैं आपको और चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें इंक्रीज हुई है वो समझाऊंगा मैं आपको। ऑफिस रेजिडेंस अलाउंसेस भी मिलता है 300 रुपए, सेंचुरी अलाउंसेस भी मिलता है 3,100 रुपए, तो ये भी इंक्रीज हुए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो टैक्स कितना कटा है इनका, 2,00,000 रुपए का टैक्स कटवाया इन्होंने आईटी इस बार, और एसआईपी में 7,000 कटवाया, जीपीएफ में 10,500 कटवाया, और जो मेडिकल वाला है 875 कटाया, मतलब 875 रुपए कटवाया इन्होंने। तो टोटल इनका डिडक्शन हुआ है 2,18,375 रुपए का, और इनको जो सैलरी मिली है ना जनवरी की, वो आप देख सकते हो 44,000 के आसपास मिली है। तो आप ये बाकी प्लस, अभी बोलोगे सर इतना ज्यादा डिडक्शन करवा लिया, देखो मार्च आने वाला है तो हर अधिकारी ऐसे ही करता है, कोई होता है 10,000 रुपए कटवाता रहता है हर महीने, कोई 15,000 कटवाता रहता है, कोई 30,000 कटवाता रहता है, तो ये अलग चीज है, इस पे मत जाओ टैक्स डिडक्शन पे। आप तो सैलरी देखो, बेसिक देखो, एक मतलब 1,72,960 रुपए तो बेसिक है, फिर डीए मिलता है 79,562, बाकी अलाउंसेस, और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस नहीं है, ये कुछ अलाउंसेस हैं जो सैलरी स्लिप में मेंशन है, बहुत सारे अलाउंसेस और भी रहता है जो मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये तो रही सैलरी स्लिप, अब बात करते हैं अलग चीजों की। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज में अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, पहले 50 आसपास होता था, जो आपको 5,000 दिख रहे थे अब डबल हो जाएंगे, 10,000 के आसपास हो जाएंगे।
तो ये सिटी की सैलरी स्लिप थी, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया था, तो जहां मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां 100 लीटर पेट्रोल मिलेगा, आप देख सकते हो 10,000 से ऊपर हो जाएगा पेट्रोल की रेट, आपको पता है, मतलब 100 रुपए से ऊपर ही चल रही है राजस्थान में तो। और जो आउटर लाइन कोड होता है वहां 75 लीटर मिलेगा, प्लस जिनको गाड़ी ड्राइवर नहीं मिला हुआ उनको 13,500 रुपए मिलेंगे गाड़ी को मेंटेन करने के लिए और ड्राइवर को मेंटेन करने के लिए। आप देख सकते हो ये सुप्रीम कोर्ट के नए अलाउंसेस आए हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल के, जो इसमें मेंशन नहीं था वो भी मिलता है। आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज को 8,000 यूनिट तक मिलता है, और सिविल जज की बात मैं कर नहीं रहा, मैंने वीडियो बना रखा है तो सिविल जज वाला वीडियो आप देख सकते हो। अभी डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे, 8,000 यूनिट मिलता है। हायर एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलने लगेंगे अगर किसी डीजे सामने, पहले क्या होता था राजस्थान में हायर एजुकेशन अलाउंसेस नहीं मिलते थे, अब हायर एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलने लग गए। तो एलएलएम जिन्होंने कर रखी है उनको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, जिन्होंने पीएचडी भी कर रखी है उनको 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे, और ये अरियर मिल रहा है 2016 के आसपास से मिल रहा है। तो आपको मैं बता सकता हूँ कितना अरियर बन रहा है 2016 से, जिन्होंने एलएलएम कर रखी है उनको 10 लाख रुपए करीब अरियर मिलने वाला है। अगर जिनके घर में 2 सिविल जज है, तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों जज हैं, तो 20 लाख रुपए तो उनको एलएलएम के ही मिलेंगे, और फिर पेट्रोल का पैसा भी मिलेगा क्योंकि ये बैक डेट से मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल अब 100 लीटर कर दिया तो उसका भी एरियर मिलेगा। तो 25-26 लाख रुपए अगर 2 सिविल जज हैं उनके आसपास आ रहे हैं उनके पास, 26 लाख 27 लाख, तो ये अमाउंट क्योंकि मेरे घर में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल चीजें बता रहा हूँ। तो हायर एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलेंगे, वो इसमें इस सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं था क्योंकि ये जनवरी की सैलरी स्लिप है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है शायद फेब तक बोला है कि फेब तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, तो मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। और सारे हाईकोर्ट को ये भी निर्देश दिया था कि सारे सब कमिटी बनाएंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हाईकोर्ट ने कमिटी बना दी राजस्थान में बन चुकी है तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाएगा और एरियर भी बहुत जल्दी मिलेगा। होम ऑर्डरली भी मिलने लग गए आप, तो आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज को मिलेगा 10,000 पर मंथ, ये भी इंक्लूड नहीं थी सैलरी में, तो 10,000 पर मंथ डिस्ट्रिक्ट जज को मिलेगा। जो पेंशनर है उनको 9,000 पर मंथ मिलेगा, जो फैमिली पेंशनर है उनको 7,500 पर मंथ मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को, जो इसमें मेंशन नहीं था सैलरी स्लिप में, 1,000 रुपए वो मिलते हैं जो अब मिलेंगे 1,000 रुपए, तो ये भी चीज हुई है। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं जैसे कई ऐसे कोर्ट है, प्रिंसिपल डीजे साहब भी होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी दिया जाता है, तो प्रिंसिपल डीजे का लिखा हुआ है, सेशन जज का लिखा है 7,000 और अदर डीजे का लिखा है 3,500 पर मंथ, ये भी सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं था। और देखो सेंचुरी अलाउंसेस मैंने आपको बताया था ना 3,000 के आसपास थे, वो अब डीजे को डिस्ट्रिक्ट जज को मिलेंगे 7,800, तो ये भी मेंशन नहीं था, तो ये भी इंक्रीज होगी। और मैं अभी बता सकता हूँ कि सिविल जज की कितनी सैलरी इंक्रीज हो रही है, जो नए अलाउंसेस आए हैं वो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट। डीजे साहब का आप देख सकते हो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, और टेलीफोन अलाउंसेस भी मिलते हैं ये आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें सैलरी स्लिप में मेंशन नहीं होती इसलिए मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1,500 रुपए आसपास मिलेंगे पर मंथ लैंडलाइन ब्रॉडबैंड के लिए, और 1,000 रुपए लैंडलाइन के लिए मिलेंगे घर के लिए, और 30,000 रुपए फोन खरीदने के मिलेंगे इंटरनेट के लिए मिलेंगे 2,000 डिस्ट्रिक्ट जज को, ये सारी चीजें भी हैं इसमें। तो ये सब ओवरऑल आपको मैंने बता दी, सैलरी स्लिप दिखा दी, प्रिंसिपल डीजे साहब की नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट जज की थी, डीजे कैडर की थी सैलरी स्लिप। और क्या लोगे आप, ऐसा वीडियो कहीं मिलेगा नहीं आपको, अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तभी आपको पता चल रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ चैनल से जुड़ जाओ, बेल आइकन भी दबा के रखो, ऐसी अपडेट आती रहती है, सिविल जज की वैकेंसी हो चाहे लॉ की वैकेंसी हो चाहे कोई भी सिविल जज की लाइफ स्टाइल हो, मैं बहुत सारे मैंने व्लॉग बना रखे हैं सिविल जज के साथ, उसमें सिविल जज दिखते नहीं है बट होते हैं, क्योंकि देखो आपको बताया जुडिशरी में थोड़े प्रोटोकॉल होते हैं तो मैं उनको दिखाता नहीं हूँ, बट मैं कहीं घूमने जाता हूँ सिविल जज के साथ तो वीडियो बना लेता हूँ, तो उस जगह वो होता है तो आपको देखने को मिल जाता है। तो चैनल से जुड़े रहो, और देखो सैलरी जो जूनियर डिविजन की बढ़ रही है ना वो 35,000 के आसपास बढ़ रही है, तो 35,000 बहुत होता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन को क्या सैलरी मिलती है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है सैलरी स्लिप के साथ, जैसे ये डीजे साहब का बनाया ना सैलरी स्लिप के साथ, ऐसे सिविल जज का ही बना रखा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे स्टेट के डीजे साहब की बता दो, हमारे स्टेट के डीजे साहब की बता दो, ऑल ओवर इंडिया सेम सैलरी है, क्योंकि सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, और जो सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन में अलाउंसेस की बात कही गई है वो ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा, तो कोई भी किसी भी स्टेट का है
आप ये मान लो आपके डीजे साहब को यही सैलरी मिलती है, सेम सिविल जज को भी सेम सैलरी मिलती है, जो आप देख सकते हो 19-20 का अंतर हो सकता है, नहीं तो सेम ही रहेगी। बस हाँ, सिक्योरिटी जैसे घर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट सारी चीजें सेम है। तो कोई भी किसी भी स्टेट का हो, ये सेम है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए ओपन है, मुझे मैसेज कर देना। सैलरी स्लिप तो शेयर करूंगा नहीं, और ये जनवरी की सैलरी स्लिप है, तो अब नई सैलरी स्लिप जो आएगी, जो नए अलाउंसेस इंक्रीज हुए हैं, मार्च के आसपास होंगे। तो आप ये सोच लो कि मार्च के अगर फ्यूचर में मैं बनाऊंगा वीडियो, वो भी बता दूंगा मैं आपको, आपके लिए इतना भी कर दूंगा। एक बार इंक्रीज होने दो, डीजे साहब की नई सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा और सिविल जज की भी नई सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। एक बार इंक्रीज होने दो तो उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए, आप चाहोगे तो। कमेंट करना, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो उस पर ही बना देंगे, पर अभी मार्च आने तो दो, अभी तो चल रहा है, पर अभी एट प्रेजेंट जो सैलरी थी वो मैंने आपको बता दी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, इतनी तो उम्मीद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाओ, और इसको शेयर करो, आगे तक जाना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आईएएस और डीजे साहब, जो कलेक्टर होता है ना उसकी जेएम से ज्यादा सैलरी नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सैलरी ज्यादा होती है कलेक्टर से। अगर मैंने कंपैरिजन कर रखा आईएएस और सिविल जज की सैलरी का, वो भी वीडियो देख लो आप जाके, तो आपको पता चल जाएगा। तो जुडिशियल तो बहुत ऊपर है, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब सैलरी इंक्रीज कर रहे थे कि कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया गया है जुडिशरी को, कि ये आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। सुप्रीम कोर्ट के खुद के वर्ड थे, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा दिया गया, तो जुडिशरी तो बहुत ऊपर है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।